नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करी पकौड़ा बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बनाते हैं करी पकौड़ा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। पकौड़ा बनाने के लिए मैंने लिए हैं बेसन 1 कप, नमक आधा छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर आधा छोटी चम्मच, जीरा पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर आधा छोटी चम्मच, ग्रीन चिली फ्लेक्स 1/4 छोटी चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़े चम्मच, 1 बड़े प्याज को घिस कर लिए हैं। और करी बनाने के लिए मैंने लिए हैं दही 2 कप फेंट कर लिए हैं, चावल का आटा 2 बड़े चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटी चम्मच, बेसन 2 बड़े चम्मच, धनिया पाउडर आधा छोटी चम्मच, नमक 1 छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर आधा छोटी चम्मच, जीरा पाउडर आधा छोटी चम्मच, हरा धनिया काट कर लिए थोड़ा सा, जीरा आधा छोटी चम्मच, हींग 1 पिंच और तेज पत्ता और लाल मिर्च 2-2 पीस लिए हैं। और पकौड़ा तलने के लिए तेल और करी बनाने के लिए और पानी। चलिए सबसे पहले पकौड़ा बनाने के लिए बैटर बना लेते हैं। 1 बड़े बॉल लेंगे और इसमें ये बेसन डाल देंगे और प्याज का पेस्ट, नमक, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ग्रीन चिली फ्लेक्स और ये लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक थिक बैटर बनाएंगे और इसे अच्छी तरह से 5 मिनट तक इसी तरह से फेंटेंगे ताकि हमारी पकौड़ा फ्लफी और सॉफ्ट बने। तो देखिए हमारा बैटर रेडी हो चुका है। इसी कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए हमें। तो अब इसे निकाल लेंगे एक बाउल में और रख देंगे एक साइड में और इसी बाउल में करी के लिए घोल बनाएंगे। तो चावल का आटा रखेंगे, बेसन, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पहले घोलेंगे। हम एक ही बार में पानी नहीं डालेंगे नहीं तो लम्प्स पड़ जाएगी। अच्छी तरह से पहले घोल लेंगे इसे। अब इसमें 4 कप पानी डालेंगे, 1 कप डाल लिए हैं और 3 कप पानी डालेंगे। अब घोल तैयार हो चुका है करी के लिए। तब इसे साइड में रख देते हैं और एक पैन गैस पर चढ़ाकर गैस ऑन कर लिए हैं। अब इसमें तेल डाल देंगे पकौड़ा तलने के लिए और तेल गर्म होने के बाद पकौड़ा तलेंगे इसमें। तो देखिए तेल गर्म हो चुका है। तो हम इसमें चम्मच से इस तरह से पकौड़ा डालेंगे। आप चाहे तो हाथों से भी रख सकते हैं। और पकौड़ा डालते समय गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे ताकि हमारी हाथ ना जले। और पकौड़ा डालने के बाद गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और इस तरह से चलाते हुए
पकौड़ा तलेंगे हम। देखिए कितना अच्छा पकौड़ा बन रहा है। दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन होने पर पकौड़ा को निकाल लेंगे। तो देखिए हमारा पकौड़ा सिक चुका है, तो हम इसे अब निकाल लेंगे एक प्लेट में। और इसी तरह से सारे पकौड़े को तलकर तैयार करेंगे। तो देखिए सारे पकौड़ा को तलकर तैयार कर लिए। अब हम कढ़ी बनाएंगे। तो पैन में से सारे तेल निकाल लिए हैं और वापस 2 चम्मच तेल फिर से डाल दूंगी। और इसमें लाल मिर्च और तेज पत्ता डालकर गोल्डन ब्राउन होने देंगे। देखिए लाल मिर्च और तेज पत्ता गोल्डन ब्राउन होने के बाद हींग जीरा डाल दिए हैं। और इसमें करी का घोल डालेंगे। पहले एक बार चला लेंगे इस तरह से। अब डालकर अच्छी तरह से चलाते हुए एक उबाल आने देंगे इसमें। फिर दही डालेंगे। तो देखिए एक उबाल आ चुका है। अब इसमें दही डाल देंगे और दही को भी चलाते हुए एक उबाल आने देंगे इसमें फिर से। देखिए करी में फिर से उबाल आ चुका था, तो इसमें हम पकौड़ा डाल दिए हैं। और अब पकौड़ों को अच्छी तरह से करी मिला देंगे और ढक देंगे इसे। गैस का फ्लेम अप कर देंगे और पकौड़ों को 3-4 मिनट तक इसी तरह रहने देंगे कढ़ाई में। देखिए 3-4 मिनट के बाद करी पकौड़ा सर्व करने के लिए तैयार है। इसके ऊपर धनिया से गार्निश भी कर देते हैं और एक बॉल में निकालते हैं। इस तरह से करी पकौड़ा बनाने से करी पकौड़ा का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही अच्छी आती है। तो चलिए एक पकौड़ा आपको मैं काट कर भी दिखाती हूँ, देखते हैं कैसा बना है। वाव, देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी पकौड़ा बना है। तो आप इस तरह से करी पकौड़ा बनाइए और गर्मा गर्म चावल रोटी के साथ सर्व कीजिए। सभी को बहुत पसंद आएंगे। और रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी डेली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में।